हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से वक्त बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं और हालात बदल चुके हैं, क्योंकि कल फिर से धूप निकल रही थी और आज आप देख सकते हो माउंटेन के ऊपर पूरी की पूरी धुंध छा रखी है। और आज तो मैं इस चीज़ को लेकर भी कंफर्म हूँ, पीछे भी आप देख लो कि बर्फ जो वो गिरना हो चुकी है स्टार्ट। अब किसी भी टाइम पे अगर मौसम थोड़ा सा और ख़राब होता है तो इस पूरे के पूरे विलेज में आपको जो है वो बर्फी बर्फ देखने को मिल जाएगी। खैर दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं एंड मैं वेट कर रहा हूँ बारिश के थोड़े से रुकने का, क्योंकि बारिश जो है वो कंटिन्यू बढ़ती 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 जा रही है। पीछे आप देख सकते हो स्लेट जो वो गीले हो चुके हैं। अब मैं इसलिए भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लकड़ियाँ लेके आया था जंगल से, अब उनको ना भाई कुल्हाड़ी से फाड़ना पड़ेगा ताकि वो जलाने लायक हो पाए। ऐसे तो लकड़ियाँ थोड़ी मोटी मोटी होती है ना, लेकिन अब बारिश तो रुक नहीं रही तो करे क्या, ऐसे में चुपचाप कमरे में ही जाके घुसते हैं। बाहर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो ऐसे में भाई अभी मैं सोच रहा हूँ कि चुपचाप लेट ही जाता हूँ, अभी थोड़ी देर फिर सो लेता हूँ, बाद में देखता हूँ जैसे बारिश होगी ख़त्म फिर एक बार उठ जाएंगे। तो अभी दोस्तों लगभग दोपहर का 1 बज रहा है, जस्ट अभी मैं बाहर का आया हूँ और मौसम आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है, बारिश जो है वो अभी रुक चुकी है एंड पीछे का व्यू मतलब क्या ही कमाल लग रहा है दोस्तों। और बर्फ की बात करूं तो आप उन पहाड़ों के ऊपर देख सकते हो, टॉप के ऊपर व्हाइट व्हाइट हो रखा है। थोड़ा जूम करके मैं आपको बता देता हूं, देखो वहां वहां बर्फ गिर चुकी है, इसके अलावा वहां पे टॉप पे भी बर्फ गिर चुकी है, बट अभी शो नहीं हो रहा है। तो गुड न्यूज़ तो ये रही कि बर्फ़ जो है ना अभी वो नीचे नीचे नहीं गिरी है, लेकिन आज और कल जो वेदर है वो बता रहे थे, लेकिन मौसम कुछ ऐसा हो रखा है दोस्तों, दोपहर में भी ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है। अब भाई बारिश तो हट गई है तो ऐसे में मम्मी ने जो बोला था वो काम करना पड़ेगा। एक्चुअली लकड़ियाँ जो है वो भाई फाड़ फाड़ के उनकी 2 से 4 टुकड़े करने हैं, क्योंकि लकड़ियाँ मैंने आपको कहा था कि थोड़ी मोटी होती है। हाँ भाई अज्जू भाई ठीक हो? तो भाई अज्जू भाई अपने पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड अभी क्या करेंगे ना, एक साइड एक कुल्हाड़ी लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा, सेकंड साइड अज्जू भाई, फिर देखो भाई लकड़ियों का कैसे लगता है नंबर। तो दोस्तों अब हो चुके हैं मैं और अज्जू भाई तैयार, करें शुरू। ऐसे ऐसे करके भाई क्या बात लकड़ियाँ फाड़नी पड़ेंगी। और लकड़ियाँ जो है ना दोस्तों ये काफी ज्यादा ऐसे सख्त होती है, मतलब कि आपके हाथों में भाई ऐसे खून खड़ा हो जाता है। अभी तो बहुत है, थोड़ी यहाँ पे रखी है, थोड़ी वहाँ से लेके आएंगे, मतलब पूरा ठंड का जुगाड़ करेंगे, तो टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। तो देखो भाई अभी कांड हो गया था, एक्चुअली काफ़ी देर से लगे हुए हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो लकड़ियाँ हैं वो ये अभी फाड़ फाड़ के रख दी हैं। बट हुआ क्या कि कुल्हाड़ी का ना ये सिरा कभी कभी ऐसे लकड़ी का होता है, तो ऐसे करते करते कभी ये फोर्स में निकल भी जाता है, और अभी अज्जू का निकल गया था, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, वैसे होता नहीं है कि निकल के सामने वाले पे यहाँ पे बजे और आपको पता चले कि हल्को हिमाचल वाला, बट शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी दोस्तों हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू होने लगी है, अब यही है लगे रहते हैं कंटिन्यू। अब ये जो है ना दोस्तों पॉइंट वो है काफ़ी ख़तरनाक, क्योंकि अज्जू मार रहा है मोटे जिसको बोलते हैं हथौड़े की, और आरडीआर ट्रस्ट करके नीचे पकड़ के बैठा है भाई, छोड़ना नहीं है उसको, थोड़ा सा अगर यहाँ से वहाँ हुआ है ना तो मतलब हाथ की ऐसी खिचड़ी बनने में देर नहीं। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं उनको फाड़ा जाता है, वो भाई नाक की तरफ आई थी, क्या हो गया डर तो नहीं लगा? वाइब्रेशन हो रही ना? कोई नहीं यार मैं पकड़ता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो टेक्निक है ये पत्थर तोड़ने के लिए भी यूज की जाती है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब इस टेक्निक में ये होता है दोस्तों कि एक बंदे को दूसरे बंदे के ऊपर भरोसा करना ही पड़ता है। अब जो लोहे की मार रहा है या तो वो बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ट्रस्टेड तो वो होता है भाई जो ट्रस्ट करके नीचे बैठ जाता है। कई बार एक्सपीरियंस मैटर करता है, वैसे अगर उल्टे सीधे बंदे के हाथ में दे दोगे भाई तो लोहे की अगर पूरे का पूरा पड़ गया ना, लोहे का 20-22 किलो 15-20 किलो का तो होते होगा, तो पूरा कचरा बन जाता है हाथ का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रात का खाना जो है तैयार हो रहा है, खाने में आज बन रहा है साग, और साग जो है ना वो है रजत का फेवरेट, है ना रजत? बिल्कुल, लास्ट टाइम मम्मी अच्छा नहीं बना था, क्यों? क्योंकि खुद लेकर आए थे ना, आज मैं लेकर आई। अच्छा आज आप लेकर, आज किसका लेके आये आप? आज मैं उसका पालक का लेकर आई, सरसों का लेकर आई, धनिया लेकर। पालक और सरसों का, और साथ में क्या बनेगी? मक्की की रोटियां, मक्की की रोटी, और कबू तड़के का सामान लगा रही है, और रिया यहाँ पे है नहीं, और मैं अज्जू अभी जा रहे हैं बाहर को, क्योंकि आज अज्जू भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जो भी इंसान मेहनत करता है भाई उसे तो फिर शाम के टाइम पे थोड़ी बहुत सेवा पानी तो होती है, तो अज्जू भाई के लिए मैंने कहा कुछ स्पेशल ले आते हैं, तो साथ में
गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी बहुत ड्राइव भी हो जाएगी। अब मुझे तेरे पे पूरा ट्रस्ट आ गया ब्रोनी, अब तू घर छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये धीरे धीरे सुधर गया। चलो शेक हैंड करते हैं, शेक हैंड करो, हेलो गुड बॉय, सेकंड हैंड से करो, दूसरे हाथ से करो, दूसरे हाथ से उससे उसको उठाओ ब्रोनी, हेलो, हाँ गुड 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 मेरा बेटा गुड, चल ठीक है बाय। क्यों पकड़ क्यों रहा है? ये रोक रहा है बच्चा। ओए ओए क्या करना है? अच्छा तो लो जी मार्केट से आगे वापस और सेम रिपीट करते हैं वही स्टेप। सबसे पहले तो हम हैंड ब्रेक को लगा लेते हैं, उसके बाद मैं तो गाड़ी गियर में ही रखता हूँ लगभग टाइम पे, धीरे से ब्रेक छोड़ देते हैं और फिर पहले चाबी बंद करते हैं, ठीक है जी, और क्लच बंद कर देते हैं, आगे की लाइटें भी बंद। और अजू भाई कैसा हुआ, डर तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं भाई, आप ठीक है, परफेक्ट बन गए आप। चलो जी फिर चलते हैं अब भाई, सामान आ गया सारा। टाइम दोस्तों अभी लगभग 8 बज रहे हैं एंड जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ घर में, और घर में आके सरप्राइज मिल गया, मासी और मासड़ भी आए हुए हैं। तो अजू भाई के लिए, मासी मासड़ के लिए कुछ स्पेशल जो है मैं कुक कर रहा हूँ। मेरे साथ हेल्प कर रही है कबू, जो कि काट रही है टमाटर, और हमेशा की तरह टमाटर काट रही है। हेल्प कर रही मतलब आपकी हेल्प तो, अच्छा मेरी का हेल्प कब करी हमेशा की तरह? ओ मम्मी मैं नहीं करती, नहीं करती, मैं तो बोलती थी तेरे को, बोल में गुस्से में तो भाग जाती है, बस ये घर चले जाती है, है ना, होता है ना। कबू सबसे बड़ी गुस्सैल है हमारे घर में, अगर आप लोगों को पता नहीं। मम्मी मुझे डांटते हैं हमारे घर से, इसको गुस्सा आ गया था ना, था कल भी गुस्सा था, कल मैंने इसको थोड़ी सी बात बोली और बोल रही है कि मम्मी ने गाली दी थी और मैं भाग गई थी, मेरे को मम्मी ने गुस्सा आ गया, क्या क्या झूठी बोल दिए, मेरा नाम है सिर्फ सारी, इसने अपना नाम कर दिया। मम्मी मुझे डांटते रहते छोटी-छोटी बातों पर, छोटी-छोटी बातों पर। अच्छा तो तुम नाराज कर जाते हैं, ये भी है, बाकी खैर छोड़ो, ये घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है। प्याज मैंने काट दिया है, सब चीजें यहाँ पे पहुँच गई हैं। उम्मीद की आस लगाए हुए मिस्टर ब्रोनी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ब्रोनी क्या चाहिए, चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बैठा रहा बैठा रहा। तो अभी दोस्तों मैंने बना दिया मासी अज्जू भाई और मासड़ के लिए स्पेशल खाना, लेकिन मैं तो भाई स्पेशल नहीं खाने वाला, क्योंकि मैं और रजत खाने वाले हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। क्यों रजत भाई, ठीक है, और अभी ऐसा करते हैं ना, इसके सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो यही है कि मिर्ची भाई, मिर्ची को ऐसे ऐसे करके भून लो और सच में क्या टेस्ट आता है। मैं तो रोटी को ऐसे करता हूँ कि एक्स्ट्रा पहले, मतलब ये जो रोटी है थोड़ी सॉफ्ट है, इसको मैं फिर से यहाँ पे रखूंगा जब तक ये प्रॉपर तरीके से हार्ड नहीं हो जाती ना, तो लाइक बिल्कुल ऐसी करारी खाने के लिए, तब तक उतना मजा नहीं आता है दोस्तों। और सच बताओ तो इस ठंड में जो अभी का मौसम है, यहाँ पे मक्के की रोटी खाना ना अंदर से गर्मी देती है। मटर काटने के बाद ऐसी भागी है ना तो कसम से बाबा। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने बनाया साग, यहाँ पे देखो आग जो बुझ गई है, साग मम्मी ने बनाया। रजत भाई मिर्ची को क्या कर दिया, मिर्च ज्यादा बूंदी, इसकी वजह से थोड़ी गले में खांसी खांसी आ रही है अभी। भाई जरा अभी खाना खा के पहुंचा हूँ मैं रूम में, लेकिन यहाँ पे आते ही ना लाइट गई चली भाई, और ऊपर से मैंने अभी फ्लैश लाइट ऑन करी तब जाके यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो को अभी और लंबा खींचना था, मासी मम्मी सबसे मिलाते हैं जो ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, बट नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। और ऊपर से बैड न्यूज ये भी है कि बारिश कंटिन्यू हो रही है, और ऊपर ऊपर तो मेरे को लगता है बर्फ भी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। बड़े हायर चांस है कि सुबह तक जो है वो पूरे के पूरे गांव में बर्फ देखने को मिले, ऐसा होता है अक्सर, और ऐसा हुआ तो लाइट तो भाई पहले ही चली गई है, तो ऊपर से बर्फ गिर गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब खैर बोलते हैं ना वो, ज़्यादा बुरा क्यों सोचना यार, अच्छा अच्छा है कुछ सोचते हैं ना। तो अभी मेरा फिलहाल लैपटॉप भी ऑफ है और फ़ोन में थोड़ी बहुत बैटरी बची है, मुझे पता नहीं था अनहोनी का कि अभी इस टाइम पर लाइट चली जाएगी, वरना मैं फुल चार्ज करके रखता। अब जैसे लाइट आती है, मुझे जगता नहीं वैसे अभी आएगी, जैसे आती है उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, फिर आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुँच जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान का आपका समय, टेक केयर एंड बाय बाय।